नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल फिनॉइच पे। अभी देखिए, गंधा रॉयल का जो है कुछ ही दिनों में आपके साथ जो है वो उसका जो रिजल्ट है क्वार्टरली वो देखने को मिलेगा। मतलब बहुत ही जल्दी गंधा रॉयल का क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है और कुछ ही दिन पहले ये शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ है। अभी 310 रुपये के आसपास शेयर का प्राइस चल रहा है और शेयर के प्राइस में बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट बना था। शेयर का प्राइस लगभग 266-265 के आसपास पहुंच गया था। वहां से देखेंगे तो एक ज़बरदस्त जो है रिटर्न दिया है गंधा रॉयल के शेयर ने। वही बात करते दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज। अभी देखिए जो IPOs आया है मार्केट में, टाटा टेक्नोलॉजीज का शेयर भी एक ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। मतलब कुछ ही ऐसे IPOs हैं जो इन्वेस्टर्स को कमा के दिया, मतलब एक रिटर्न दिया अच्छा, और कुछ ऐसे भी IPOs है जिसने कुछ रिटर्न वगैरह नहीं दिया, कुछ भी कमाल नहीं कर पाए। तो इस वीडियो में हम लोग गंधा रॉयल का एकदम डिटेल में समझेंगे, गंधा रॉयल को लेके और टाटा टेक्नोलॉजीज को लेके भी। रिक्वेस्ट करते हैं उससे वीडियो पे पूरा बना रही है, स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल फिनॉइच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, शेयर मार्केट से कंटेंट पाने के लिए। चलिए शुरू करते स्टॉक की बात है दोस्तों। गंधा रॉयल का अभी जो मार्केट कैप है 3037 करोड़ है, 3037 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस 310 रुपया है और इसका हाई प्राइस देखिए जो कि 345 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया था और इसका जो लो प्राइस है 269 का दिया है इसने। स्टॉक पी 15.9 का है और हो सकता है कि दोस्तों आगे चल के गंधा रॉयल से डिविडेंड वगैरह भी दिया जाए। अभी गंधा रॉयल सिर्फ ये अकेला ऐसा प्लेयर नहीं है मार्केट में कि मतलब ये इस इंडस्ट्री में बिजनेस करता है। अभी आप देखेंगे जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है उसका करंट प्राइस 2400 के आसपास है, मतलब 2400 के आसपास। उसके बाद IOCL, उसके बाद BPCL, HPCL, MRPL, ये सब कंपनीज है और गंधा रॉयल का 310 रुपये के आसपास शेयर का प्राइस चल रहा है। दोस्तों मार्केट कैप की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप जो है वो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, उसके बाद IOCL के पास है, उसके बाद BPCL के पास है और गंधा रॉयल का जो मार्केट कैप है बहुत ही कम है। मतलब इस इंडस्ट्री में देखते हैं अभी जो भी बाकी प्लेयर्स है उससे कम है गंधा रॉयल का मार्केट कैप। डिविडेंड डील की बात करते रिलायंस इंडस्ट्रीज कुछ खास डिविडेंड नहीं देता है, IOCL, BPCL ये सब कंपनीज एक ज़बरदस्त डिविडेंड देता है। गंधा रॉयल का अभी तक जैसे कि ये मार्केट में अभी लिस्ट हुआ है तो हो सकता है कि आगे चल के इसका डिविडेंड वगैरह देखने को मिले। क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहाँ पे देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का 28.87% के आसपास है, IOCL का 1540.80% के आसपास है, BPCL का 5117.19% के आसपास है। तो अभी यहाँ पे गंधा रॉयल का जो है माइनस में देखने को मिल रहा है। सेल्स की बात करते दोस्तों, सेल्स जो है आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का, यहाँ पे IOCL का और सबसे अभी बोल सकते हैं कि गंधा रॉयल का जो सेल्स है ये सब कंपनी जो है उससे थोड़ा कम है, BPCL का भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी यहाँ पे जो गंधा रॉयल का Q2 का रिजल्ट आएगा तो Q2 के रिजल्ट मतलब अभी तक अगर जो देखेंगे तो इसका बिजनेस जो है बहुत ही बोल सकते कि एक ज़बरदस्त बिजनेस है जहाँ पे इसके प्रोडक्ट का बहुत डिमांड है। अभी सेल्स में देखते हैं दोस्तों तो सेल्स आप देख सकते हैं जो है यहाँ पे मतलब गंधा रॉयल का सेल्स जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस थोड़ा यहाँ पर बढ़ गया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कम होता हुआ देखने को मिल रहा है एंड वही दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अभी इस इंडस्ट्री में देखेंगे तो जैसे कि बहुत सारे प्लेयर्स है, गंधा रॉयल का भी अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो इसका बिजनेस का डिमांड मतलब प्रोडक्ट जो है उसका डिमांड है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करते हैं दोस्तों गंधा रॉयल का, जहाँ पे जून 30, 2023 तक प्रोडक्ट जो है स्वीट कंप्राइज्ड 440+ प्रोडक्ट्स अक्रॉस पर्सनल केयर, हेल्थ केयर एंड परफॉर्मेंस ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स, मतलब दुनिया भर के जो प्रोडक्ट्स हैं, दुनिया भर के मतलब 440 के आसपास, 450 के आसपास इसके प्रोडक्ट्स हैं गंधा रॉयल के। तो मतलब अगर आप देखते हैं प्रोडक्ट्स गंधा रॉयल के भरा पड़ा हुआ है। फाइनेंशियल 2023 में अगर देखेंगे तो कंप्राइजिंग 3,558 कस्टमर्स इन फाइनेंशियल 2023। अभी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, जैसे कि इसके इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं गंधा रॉयल का, 450 के आसपास ये प्रोडक्ट मार्केट में बेचता है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी है इसके। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे कंपनी ऑपरेट्स 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, मतलब 3 ऐसे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है जिसके मतलब जहाँ पे ये प्रोडक्ट बनाता और बेचता है। 2 प्लांट्स लोकेटेड इन वेस्टर्न इंडिया एंड 1 प्लांट लोकेटेड इन शारजा स्प्रेड अक्रॉस 128,454 स्क्वायर मीटर्स इन कैटर टू इट्स इंडियन एंड ग्लोबल ऑपरेशंस।
तो इसके तीन जो ऐसे फैसिलिटीज है मैन्युफैक्चरिंग, जिससे ये ग्लोबल ऑपरेशंस देखता है, वहाँ पे वो ये प्रोडक्ट बनाता है। तो बहुत बड़ा इसका मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हैं कि जो इसके फैसिलिटीज़ हैं। एंड यहाँ पे बोल सकते कि जो तीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, तो वहाँ से इसका जो बिजनेस है, जो बनाता है प्रोडक्ट, वो सारे ग्लोबल में ग्लोबली जो ये बिजनेस करता है। एक्सपेंशन गोल्स की बात करते हैं, कंपनी इन द प्रोसेस ऑफ एनहेंसिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इट्स तलोजा प्लेंट, जो कि महाराष्ट्र में, बाई एन एग्रीगेट ऑफ 1 लाख किलो KL ऑफ दिस इट कमीशन an incremental capacity जो कि 25,000 KL in October 2022. It expect to complete the enhancement to the production capacity in financial year 2024. तो कंपनी का जो एक्सपेंशन गोल है, मतलब जो बिजनेस को और बढ़ाने का काम है, उसको ज़बरदस्त कर रहा है। जियोग्राफिकली मतलब इसका जो रेवेन्यू है वो देख सकते हैं, जहाँ पे एपेक्स से 70.28% का रेवेन्यू आता है, अमेरिका से 14.77% का रेवेन्यू आता है, अफ्रीका से 12.74% का रेवेन्यू आता है, और यूरोप से 2.12% का रेवेन्यू आता है। अभी जो यूज़र इंडस्ट्रीज है, जैसे कि इसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, 750 के आसपास इसके प्रोडक्ट्स है, उसमें से देख सकते हैं कंज्यूमर सेगमेंट जो है 54.98% है, हेल्थ केयर 14.36% है, प्लास्टिक 9.62% का है, केमिकल 6.31% का है, टेक्सटाइल 11.29% का है, फ्रेगनेंसेस 3.56% का है। तो दोस्तों, गंधा रॉयल का जो अभी अभी जो क्वार्टरली इसका रिजल्ट आएगा, माफ़ कीजिए, जो क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, हो सकता है कि यहाँ पे गंधा रॉयल एक ज़बरदस्त रिजल्ट पोस्ट करे। शेयर का प्राइस में अभी तेज़ी बनता हुआ देखने को मिल रहा है, 310 के आसपास। तो यहाँ से फिलहाल जैसे कि इसका जो है बहुत ज़्यादा टारगेट प्राइस फिलहाल नहीं रखना चाहिए, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको एक बार सही तरीके से रिसर्च कर लेना चाहिए, उसके बाद ही अगर आपको इन्वेस्ट करना है कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज को लेके। मार्केट कैप देखिए, गंधा रॉयल का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा नहीं था, और टाटा टेक्नोलॉजीज का जो मार्केट कैप है वो अगर देखते हैं तो 50,490 करोड़ के आसपास है। करेंट प्राइस 1200 के ऊपर का ये शेयर है, 1245 रुपीज़ का हाई प्राइस इसने दिया है 1400 का, और लो प्राइस दिया है 1151 रुपीज़ का। मार्केट में डिमांड टाटा टेक्नोलॉजीज के प्रोडक्ट का बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, जो टाटा टेक्नोलॉजीज़ का ये IPO आया है, IPO के बाद देखेंगे तो मार्केट में जो एक क्रेज़ है टाटा टेक्नोलॉजीज़ को लेके, वो बहुत ही ज़्यादा है, और बहुत ही बोल सकते कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ का तो एक शेयर में जो है तेज़ी भी बनता हुआ देखने को मिला। इसका रेवेन्यू का देखते हैं, सर्विस जो है 80% है इन फाइनेंशियल 2023 वर्सेस 75%, फाइनेंशियल 2022 में सर्विस से जो रेवेन्यू हुआ है वो है 75%, और फाइनेंशियल 2023 में वो हुआ 80%। टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस से रेवेन्यू 25% हुआ था फाइनेंशियल 2022 में, और फाइनेंशियल 2023 में टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस से रेवेन्यू थोड़ा घटता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि 20% के आसपास है। बिजनेस प्रोफाइल यहाँ पे देखिए टाटा टेक्नोलॉजीज का, जो कि टाटा मोटर्स का एक सब्सिडरी है एंड इज ए पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप। द कंपनी एज ऑफ सेप्टेम्बर 23 हैड 19 ग्लोबल डिलीवरी सेंटर स्प्रेड अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया पैसिफिक। इट हैड 12,451 एम्प्लॉयज कंप्राइजिंग 11,608 फुल टाइम एम्प्लॉयज। तो अभी यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजीज का, जो कि टाटा मोटर्स का ही एक सब्सिडरी है, और टाटा मोटर्स भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे लगभग इसका जो है 19 ऐसे ग्लोबल डिलीवरी सेंटर से जहाँ से ये बिजनेस देखता है। बात करते हैं, 40% ऑफ कंपनीज रेवेन्यू कम्स फ्रॉम इट्स टॉप टू कैप्टिव कस्टमर्स, टाटा मोटर्स एंड JLR। तो टाटा टेक्नोलॉजीज का जो बोल सकते हैं कि टॉप टू कस्टमर्स है वो टाटा मोटर्स का ही, जो कि टाटा मोटर्स और JLR है, ये दो कंपनी से इसके 40% रेवेन्यू आता है। बाकी जो रेवेन्यूज है, बाकी जो इसके क्लाइंट्स है, कस्टमर्स है, उससे ये कमाता है, इसको ये मिलता है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं जियोग्राफिकली रेवेन्यू जो है टाटा टेक्नोलॉजीज का, जहाँ पे कंपनी का टाटा टेक्नोलॉजीज का इंडिया से अगर देखते हैं तो, जो कि फाइनेंशियल 2022 में 32.5% का रेवेन्यू हुआ था, और फाइनेंशियल 2023 में वो थोड़ा घटता हुआ देखने को मिल रहा है, 30% का हुआ है। वही दोस्तों बात करते हैं UK से, 20% का रेवेन्यू हुआ था फाइनेंशियल 2022 में, और फाइनेंशियल 2023 में वो घटता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि 19.5% का हुआ है। नॉर्थ कोरिया से 22.5% का रेवेन्यू हुआ था फाइनेंशियल 2022 में, और बाकी जो है यहाँ पे फाइनेंशियल 2023 में 21.5% का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी नॉर्थ कोरिया में भी इसका बिजनेस जो है, रेवेन्यू जो है,
करता हुआ देखने को मिल रहा है। रेस्ट ऑफ यूरोप से देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर, मतलब बाकी जो यूरोप के कंट्रीज हैं, यूरोप के जो बाकी कंट्रीज है उसमें से देखते हैं तो 4% हुआ था फाइनेंशियल ईयर 2022 में, फाइनेंशियल ईयर 2023 में वो 3% का हुआ है। वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज से देखते हैं जहाँ पे 21% था फाइनेंशियल ईयर 2022 में, फाइनेंशियल ईयर 2023 में 26% हुआ है। तो बाकी सब कंट्रीज से इसको एक अच्छा खासा बिजनेस होता है। अभी यहाँ पे क्लाइंट्स की बात करते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज का, जहाँ पे कुछ बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं और उसमें से देख सकते हैं टाटा मोटर्स, JLR, लीडिंग ट्रेडिशनल OEMs लाइक एयरबस, मैकलरन, हुंडा, फोर्ड, ये सब जो है इसके बड़े क्लाइंट्स हैं जिसको इससे अच्छा खासा एक बिजनेस होता है। तो दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज का शेयर का प्राइस अभी देखेंगे तो बहुत ही बोल सकते कि मतलब 1200 के आसपास पहुंच गया है। हो सकता है कि आगे चल के इसमें एक अच्छा खासा रिटर्न देखें, एक बार ज़रूर खुद से रिसर्च कर लीजिए। उम्मीद है दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए।